अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे जनाब। तो और सुनाएं क्या हो रहा है आजकल। तो यहाँ पर मैं सुबह का वक्त और मैं वीडियो लेकर जो है किचन में आ गई थी और मैं साथ ही साथ मैं नाश्ता ही बना रही थी और रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। तो यहाँ पर जी मैं आप लोग बताएं कौन सा पराठा खाना पसंद करते हैं सुबह के टाइम। मैं यहाँ पर मेरे इन लॉज में तो ज़्यादातर ये वाला जो राउंड शेप वाला जो पराठा होता है ना, जलेबी पराठा जिसे कहते हैं लेयर्स वाले, उस वो खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाले पराठे बना रही थी और मैंने सोचा थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप लोग बताएं आप लोग कौन सा पराठा खाना पसंद करते हैं। एक तो चकोर सा होता और एक ये राउंड शेप में। मतलब पराठा तो हर बहुत सारे भी किस्मों का आया, वैसे कि लच्छा पराठा भी होता है ये वो। तो खैर जी यहाँ पर मैं इसे बना रही थी और एक ही हाथ से रिकॉर्ड करना और बनाना तो थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी देखें मैं आप लोगों के लिए कितना स्ट्रगल कर रही हूँ। खैर तो यहाँ पर जी मैं पराठे बना रही थी और आज जो है वो मुझे भाई के घर जाना था, क्योंकि भाई के घर जाना है, वहाँ की मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। और क्यों जाना था, जाना इसलिए था कि अम्मी का जो है ना भाई ने ख़त्म करवाया था, तो दिलवाया था। तो मैं अभी कराची में ही हूँ तो मुझे भी बुलाया था तो मैं भी चली गई थी। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम शाम ख़त्म करने के बाद फिर मैं वहाँ अपने घर के लिए रवाना होंगी। वहाँ रेडी वेडी होके फिर मैं घर जाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे जो नोज़ पे ना ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा होते हैं कि वो आप अगर मेरे सामने बैठे हो ना तो आपको बिल्कुल दिख रहे होंगे कि कितने ब्लैक हेड्स हैं मेरे नोज़ पे। तो इसके लिए ना मैं ये वाला जो है मास्क यूज़ करती हूँ, चारकोल मास्क है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा वर्क करता है और बहुत जल्दी ये ड्राई भी हो जाता है। इससे पहले मैं एक ली थी ना, वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा सा है, थिक फॉर्म में अच्छा सा ये ड्राई भी हो जाता है। अभी मैं इसे निकाल कर दिखाऊँगी, इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है। और इसे अप्लाई करने के बाद बस जस्ट क्या करना होता है, अगर आप नोज़ पे थोड़ा सा स्टीम कर लेना टॉवल की मदद से, गर्म पानी से वो डीप करके, तो बहुत अच्छा निकल जाता है। अगर आप लेज़ी हैं मेरी तरह तो वैसे ही आप लगा कर इसे पील ऑफ कर लें। तो जी जहाँ पर मैं आ गई थी घर और आपी भाभी मिलकर जो यहाँ पर सारे जो होते हैं, यानी कि ये जो पैकेट बनाते हैं ना मतलब देने के लिए, तो ये पैकेट्स वगैरह बना रहे थे और मैं भी साथ में थोड़ी सी हेल्प आउट कर रही थी उन लोगों के साथ, पेंस वगैरह लगा रही थी। और किसी को ज़्यादा बुलाया नहीं था, हम बहनें ही थी और भाभी वगैरह थी। और उसके बाद बस मदरसे के बच्चों को बुला लिया था और बस यहीं बस इतना ही छोटा मोटा सा था मतलब के। और थोड़ी सी यहाँ पर ये मेरा लड्डू बैठा हुआ है, छोटा वाला लड्डू है, और ये मतलब के मुझे कह रहा था कि मुझे मोबाइल चाहिए। आप लोगों को तो पता है आजकल बच्चों को मोबाइल से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि बस क्या ही बताएं। तो यहाँ पर जी खाने बन रहे थे और उसके बाद ये बस क्या दिखाऊंगी मैं, फ़िलहाल तो यही सब कुछ आप देख लें। और मेरे चैनल में नए तो लाइक करने, कमेंट कर दें, शेयर करने, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जी बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, होप कि पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो और मैं याद रखिएगा, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।